बरेली IMA बरेली द्वारा संस्कार भारती के सहयोग से अपने सदस्यों के लिए स्वदेश दीपक द्वारा लिखित एवं डॉक्टर प्रसाद उर्फ पप्पू वर्मा द्वारा निर्देशित एवं डॉक्टर रंजन विशद द्वारा सह निर्देशित एक सशक्त एवं भावपूर्ण नाटक कोर्ट मार्शल के मंचन का आयोजन शनिवार को शाम 6 बजे से IMA भवन के ऑडिटोरियम में किया गया। यह नाटक सेना पर आधारित था। कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को संपूर्ण मंचन में बंधे रखा और बीच बीच में भाव विभोर कर दिया। नाटक के अंत में सभी कलाकारों को उत्साहवर्धन हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओमवीर विभाग प्रचारक वशिष्ठ अतिथि मयंक महानगर प्रचारक द्वारा संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री योगेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई और संस्कार भारती 2 सीनियर कलाकारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक आदरणीय ओमवीर ने बताया कि संस्कार भारती संघ का एक अनुसांगिक संगठन है जो कि हमारे संत मुनि महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित नाटकों के मंचन के माध्यम से युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने और राष्ट्र प्रेरणा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करती है। संस्था ने इसी क्रम में फिल्मी कलाकार श्री नाना पाटेकर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर एवं आशा भोसले आदि के साथ और विदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के परम वैभव की कामना अपनी सेनाओं में देश के प्रति समर्पित सैनिकों की देशभक्ति के आधार पर ही कर सकते हैं। हम सबको जाति धर्म के भेदभाव से परे होकर देश और समाज की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने देश की उन्नति में युवाओं को आगे आकर एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया। ना ये जो कार्यक्रम है संस्कार भारती का, अपना सेना के किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, परंतु जो ये संस्कार भारती अपने योगेंद्र दादाजी, दादा के नाम से उनको करते हैं, संघ के प्रचारक थे और उन्होंने इसकी जो स्थापना की 1981 में, कि जो अपने संस्कार, जो अपने नृत्य कला है, अन्य जो कला है, नृत्य संगीत है, जो भारतीय संस्कृति के निमित्त जो होते हैं, जो परंपरा विधिगत चलती रहें, जो विलुप्त होती जा रही हैं, जो कला के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे वास्तविक रूप से जो भारत था वो बढ़ रहा था, ऐसे अन्य जब हम वर्तमान में देखते हैं तो किस प्रकार के कलाएं मिलती हैं। टेलीविजन पर देखिए दूषित किस प्रकार से हिंदू संस्कृति का एक कह लीजिए दुष्प्रचार प्रचार करने में लगे हैं, जितना वो कर सके हिंदू संस्कृति का दुष्प्रचार करने में। इसलिए उसके निमित्त जब संगठन ने सोचा कि अपने संस्कार भारती की स्थापना हो, इसलिए उन्होंने इस निमित्त की हर क्षेत्र में, भले चाहे जनजाति क्षेत्र में, वनवासी जैसे क्षेत्र में, ऐसे जो कला के क्षेत्र में जो निर्धन परिवार से भी उनकी कलाएं वास्तव में बहुत सारी चीज़ वो जानते हैं, नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, ऐसे बहुत सारे जो कलाकार हैं, चाहे अपने लता मंगेशकर है, देशभक्ति अगर मूवी में लेंगे तो अपने नाना पाटेकर, ऐसे भी ये संस्कार भारती से ऐसे जुड़े हैं, बहुत सारे कलाओं के माध्यम से अपना जोड़ने का जो काम है ये संस्कार भारती से करती है। नए युवाओं के लिए अपना जो हिंदू संस्कृति उसी के निमित्त ही देश के लिए ही जो कोई हम कार्यक्रम जो को हम करें, संगीत के क्षेत्र में करें, कहीं करें, वो देशभक्ति का ही होना चाहिए। चाहे आज की जो वर्तमान चाहे मूवी भी हो, वही संदेश देने के लिए वही है कि राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। जिस प्रकार फौजी का अपना जीवन है उसका एक राष्ट्र के लिए उसका जीवन है, कभी को अपने परिवार को नहीं, वो भारत माता के लिए ही अपना जीवन को समर्पित करता है, वैसा ही दृष्टिकोण आज के इस युवाओं में होना चाहिए, जिससे कि अपना जो हम कल्पना करते हैं परम वैभव की वह साकार हो सके। यही अपना संस्कार भारती का लक्ष्य है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।